Uh, hello dear students in this video we will discuss about the factors affecting enzyme activity right we will discuss uh, concentration of enzyme activity factor 2 concentration of substrates factor 3 effect of temperature factor 4 effect of ph and factor 5 that is effect of activator and also we will discuss that is competitive um, inhibitor right now बायोकेमिकल रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ हम जानते हैं कि भाई अगर बायोकेमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी होती है वो ग्रोथ रिपेयरिंग जितनी भी डैमेज टिश्यू है उनको ठीक करने के लिए एनर्जी को फॉर्म करने के लिए एंड टेक्सप्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बॉडीज और ये जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म राइट नाउ ऑल द रिएक्शन दे टकर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर हायर एक्टिविटे एनर्जी टू रिड्यूज द सेल कंजन ऑफ एनर्जी देर आर समलिस्ट आर इंश्योर एंड दैट केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या है? हो जाती है रैपिडली हो जाती है रिड्यूज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी होती है राइट एंड दीज कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज एनजाइम राइट एंजाइम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के फॉर्म में आइडेंटिफाई होते हैं लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और अगर हम बात करते हैं कि दीज आर प्रोटीन बिकॉज दीज आर मेडअप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था कि प्रोटीन जो होते हैं वो पॉली होते हैं और हर उसके बीच में क्या होता है पैप्टाइड बॉन्ड होता है एंजाइम आर सिमिलर टू अदर कैटेलिस्ट केमिकल कैटेलिस्ट की तरह होते हैं रिएक्शन को इन्हांस करते हैं स्पेसिफिक पीएच स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम स्पेशाइज रिएक्टेंट रिएक्टेंट स्पेसिफिक रिएक्टेंट के साथ में ही कंबाइन करके क्या करते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बाद में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एनजाइम की एक्शन को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं आ, और वो हमने ऑलरेडी देखा है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस टेम्परेचर हाइड्रोजन दैट इज़ पी एच राइट एंड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स भी बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं डिस्टर्ब कर सकते हैं नाउ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन एनजाइम इज़ इंक्रीज द वेलोसिटी द रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज़ भाई हमें मालूम है कि अगर एज़ाइम का कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होगा तो भाई एक एनजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड करेगा तो हमें मालूम है कि रिएक्शन भी क्या होगी इंक्रीज़ होगी दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एक्टिविटी ऑफ सीरम एनजाइम ड्यूरिंग द डायग्नोस ऑफ डिसीज और इस फैक्टर की इस प्रॉपर्टी का यूज़ जो है वो जब भी किसी डिसीज का डायग्नोज किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में सीरम एनजाइम का एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है नाउ सेकेंड फैक्टर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सब्स्टांस भाई सेम एज़ कन्सन्ट्रेशन ऑफ एनजाइम

ऑल द एन्जाइम एक्टिव साइट हैव सब्स्टेट बाउंड टू दैम क्यों क्योंकि सब्सटेट भले ही ज़्यादा है और हमने ये भी बोला था कि एक ही एनजाइम पर बहुत सारी एक्टिव साइड होती है बट अगर सबस्टेट आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया है और हर सब्स्टेट ने बहुत सारे सब्स्टेट ने एनजाइम की हर साइट को बाइंड बाइंड कि, किया गया है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है चेंज हो जाती इन अदर वर्ड एनजाइम मोलिक्यूल आर सेचूरेटेड विद द सब्स्टेट बाइंड होता है द एक्सेस सबस्ट्रेस मॉलिक्यूल कैन नॉट रिएक्ट अंटिल द सब्सट्रेस ऑलरेडी बाइंड टू एंजाइम और हमें यह भी मालूम है कि जब एक सब्सट्रेट एंजाइम से बाइंड हो जाता है तो दूसरा सब्सट्रेट उसके साथ में एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिस इज द थर्ड फैक्टर द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम्स मेक दैम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू थर्मल चेंज भाई हमें ये भी अभी हमने रेंज देखी थी कि हर एंजाइम जो होता है वो 25 टू 35 डिग्री पे या 37 टू 40 डिग्री पे क्या हो जाता है बेस्ट एक्टिविटी शो करता है अलग अलग का अलग अलग तो हम ये मान सकते हैं कि ट्वेंटी टू फोर्टी डिग्री जो होता है वो बेस्ट टेम्परेचर होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए राइट right? नाउ एज यू हैव सीन एन्जाइम हैज ए सर्टेन टेम्परेचर उसमें बहुत एक्टिव होते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टीमल टेम्परेचर जिसमें मैग्जिम एंजाइम जिस टेम्परेचर पर एक्टिवेट होते मैग्जिम एक्टिविटी शो करते दैट इज कॉल्ड इज ऑप्टीमल टेम्परेचर दिस वन राइट और रेंज जो ऑप्टीमल टेम्परेचर की होती है वो रेंज होती है थर्टी सेवन टू फोर्टी डिग्री एनजाइम एक्टिविटी ग्रेजुअली लोअर्स ऐट द टेम्परेचर राइज मोर देन ऑप्टीमल टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से भी टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाती है डाउन हो जाती है अनटिल इट रीच अ सर्टन टेम्परेचर एट अ विच एनजाइम एक्टिविटी स्टॉप कम्प्लीटली और एक स्पेसिफिक रेंज होती है वो है सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री पे सारे एनजाइम मैक्मम एनजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है नील हो जाती ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स न्यूट्रल कंपोजिशन ऑन द अदर हैंड इफ टेम्परेचर लोअर बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर तो उसमें भी एंजाइम की एक्टिविटी लोअर हो जाती है और धीरे धीरे टेम्परेचर और कम हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी लीस्ट हो जाती है द एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप कम्प्लीटली एट ज़ीरो डिग्री राइट ना बट इफ़ द टेम्परेचर राइज अगेन धैन एंजाइम गेट एक्टिवेटेड वंस मोर और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या उधर से टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो अपनी एक्टिविटी फिर से अच्छा हाई हो जाता है टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो डी नेचर हो जाता है तो जी हो जाता बट जीरो होता है तो वो वापस से बढ़ सकता है जैसा कि इस चार्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और फिर उस टेम्परेचर के बाद में उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है डाउन फोर्थ फैक्टर इज

बेसिक और न्यूट्रल जनरली ऑल लिक्विड जितने भी होते हैं उनका पीएच जो होता है वो सेवन हो जनरली सेवन होता है और सेवन आर कॉल्ड एसिड राइट वेर इज लिक्विड विथ पी एच अबोव बिलो सेवन से जितना भी पी एच होता है वो एसिडिक होता है अबोव जो होता है वो बेस या अल्क्लाइन होता है और अगर एग्जैक्ट सेवन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं देट इज़ कॉल्ड इज न्यूट्रल पी एच एट एसिडिटी ऑफ प्योर वाटर अगर आप प्योर वाटर की एसिडिटी को देखते हैं तो 25 डिग्री टेम्परेचर पे आपको उसका यू कैन डिटरमाइन पी एच ऑफ एनी सोल्यूशन यूजिंग बाय द पी एच स्ट्रिप यहाँ पर देख रहे हैं कलर के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंजाइम्स प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं कंटेन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हमने बोला था कि भाई अगर अमीनो ग्रुप है प्रोटीन है तो उसमें अमीनो ग्रुप होगा और अमीनो ग्रुप है अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड का हमने स्ट्रक्चर भी देखा था कि उसमें अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं सो एनजाइम आर अफेक्टेड बाय चेंजिंग द पी एच वैल्यू इसलिए पी एच वैल्यू चेंज होने के कारण ये चेंज भी होते हैं एसिड में अलग काम करते हैं बेस में अलग काम करते हैं ईच एनजाइम हैज़ पी एच वैल्यू दैट इट वर्क एट विथ मैक्म इफिशियंसी और वो जो ऐसा पी एच जिसमें मैग्जीम स्पीड अप वो क्या करते हैं रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं वो जो इफिशियंसी होती है दैट इज कॉल्ड इज ऑप्टीमल पी एच इफ दी एच इज लोअर और हायर देन द ऑप्टीमल पी एच उससे कम या ज़्यादा होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है राइट अनटिल इट्स स्टॉप वर्किंग जब तक वो काम नहीं करती फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन जो होता है वो लो पी एच पर टू पॉइंट फाइव पे काम करता है एंड इट इज़ हाईली एसिडिक वाइल ट्रिप्सिन जो है वो एट पॉइंट फाइव पर काम करता है इट इज़ बेसिक इन नेचर मोस्ट एनजाइम वर्क एट न्यूट्रल पीएच और वो जो होता है वो सेवन पॉइंट फोर होता है सेम एज पैपसिन एंड ट्रेप्सिन तो पेप्सिन की जो है वो एक्टिविटी कहाँ पर शो हो रही है हेयर राइट right? और ट्रिप्सिन की कहाँ पर हो रही है हेयर तो ये बेस है और ये एसिड है दिस रेंज इज फॉर एसिड दिस रेंज फॉर द बेस इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स राइट इफ़ेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं सम ऑफ एंजाइम रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटलिक आयस लाइक मैग्नीशियम आयन्स मैग्नीज़ आयन जिंक आयन कैल्शियम आयन कोबॉल्ट आयन कॉपर सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा फॉर देयर ऑप्टिमल एक्टिविटी रेयरली एंड आय आर ऑल्सो नीडेड फॉर एनजाइम एक्टिविटी एग्जाम्पल अगर आप अमाइलेज की एक्टिविटी के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको क्लोराइड आयन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है राइट नाव वी विल डिस्कस अबाउट वी विल डिस्कस अबाउट सम डिफरेंसेज बिटवीन एनजाइम एंड हॉर्मोन बिकॉज बोथ आर प्रोटीन इन नेचर बट वी कैन से दैट फर्स्ट इज एंजाइम इज़ बायो कैटलिस्ट बट हॉर्मोन्स आर नॉट बायो कैटलिस्ट एंजाइम जिस पर्टिकुलर ओरिजन पे फॉर्म होते हैं वहीं पे एक्टिविटी शो करते हैं हॉर्मोन जो होते हैं जहाँ पर फॉर्म होते हैं ओरिजिन होते हैं वहाँ पर काम नहीं करते हुए वो कहाँ पर जाते हैं टारगेट सेल पे जाते हैं अच्छा अभी हमने देखा था मोलिकुलर वेट जो होता है वो एंजाइम का लार्जर होता है बट हम अगर मोलिकुलर वेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है बड़ा होता है एनजा हार्मोन जो होते हैं उनका मोलिकुलर वेट क्या होता है कम होता है लार्ज मोलिकुल होने के कारण वो उसी प्लेस पर काम करते हैं जहाँ से ओरिजिन होते हैं और उनका मोलिकुलर जो होता है वो क्या होता है स्मॉल होता है सो दे कैन मूव फ्रॉम द ओरिजिन प्लेस टू टारगेट सेल राइट नाउ एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं बट हार्मोन जो है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते राइट एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और कभी कभी लिपिड के बट हार्मोन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के भी हो सकते हैं पेप्टाइड्स के भी हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड के भी हो सकते हैं और स्टेरॉइड्स के भी हो सकते हैं। जितने भी एंजाइम जिस ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं वो सारे के सारी जो ग्लैंड होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जोक्राइन ग्लैंड बट हार्मोन जिन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं वो सारी की सारी जो ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं दे आर डक्ट ग्लैंड दे आर डक्ट ग्लैंड मतलब एंजाइम जितने भी सिक्रेट होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं जाते हैं वो डक्ट के अंदर सिक्रेट होते हैं बट जितने भी हॉर्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से वो डक्ट लेस होते हैं और उनका डायरेक्ट जो सिक्रेशन होता है वो ब्लड में होता है राइट मोलिकुलर वेट एंजाइम का ज़्यादा होता है हॉर्मोन का मोलिकुलर वेट क्या होता है कम होता है राइट ना हॉर्मोन अच्छा एंजाइम uh, के लिए अभी हमने फैक्टर्स देखे थे कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक पीएच पे स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक्टिवेट होते हैं बट हार्मोन के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं जब भी कहीं से नेगेटिव फीडबैक क्या होता है फॉर्म होता है तो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं राइट right? तो इसी टाइप का जैसे हमने एंजाइम्स भी पढ़ लिया है और हॉर्मोन भी पढ़ लिया है एंजाइम जो होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि वी आर दे आर कंसिडर एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनको हमने बायो मॉलिक्यूल्स में एक पढ़ लिया है अच्छा एक हमारी बॉडी में और होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेटाबोलिक एक्टिविटी जनरली क्या होती है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर सिंथेसिस भी होता है और जहाँ पर ब्रेकिंग uh, ब्रेकडाउन भी होता है लाइक like, फोटोसिंथेसिस इज़ अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट सी ओ टू एंड एच टू ओ जो होते कंबाइन होके सी सिक्स एच टू ओ सिक्स बनाते हैं वाई इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन टू सी ओ टू एन एच टू तो कुछ चीज़ें एनाबॉलिक होती है कुछ कैटाबॉलिज होती है और एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों कंबाइन हो के जो चीज़ बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है उन सबको परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है सो so, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ओवर होता है नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय